हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आलू भुजिया की कटलेट बनाऊंगी जो शानदार, टेस्टी और हेल्दी होगी। तो नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाते हैं। मैंने यहाँ दो मीडियम साइज के आलू को उबालकर मैश कर ली हैं। एक फॉर्क से थोड़ी और महीन कर लें। एक टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक, थोड़े कटे हुए मिर्ची, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर और एक टेबलस्पून के करीब चिली फ्लेक्स डालूंगी। एक टीस्पून नमक ऐड करनी है। अब करीबन हाफ कप ब्रेड क्रम्स ऐड करनी है। कांटे को रखकर हाथों से मिक्स करें तो अच्छा है। मैंने तो इस मिश्रण को सिंपल ही रखी है, मसाले भी यूज़ नहीं किए ज़्यादा, क्योंकि भुजिया कोटेड होगी तो भुजिया में अपनी टेस्ट रहती ही है। अब हमारी मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब थोड़ी सी मिश्रण को हाथों में लेकर एक लोई बना लेनी है, ये देखिए। फिर इसी तरह से चपटा करके उंगलियों से प्रेशर देकर एक शेप बना लें। आप जो शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने तो यहाँ स्क्वायर की शेप दी है, आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से जितनी हो सके बना लें। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही हैं। मैं तो हमेशा से ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ही टेस्ट लाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए मैंने सारे मिश्रण की एक जैसी शेप बना ली हैं। अब एक कटोरी में दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेनी है हमें, और पानी डालकर एक पतली बैटर बना लेनी है। कॉर्नफ्लोर थोड़ी स्टिकी होती है तो जल्दी हाथों को चलाकर इसे घोल में रेडी करनी है। घोल रेडी है। अब एक पीस को डुबो देनी है, एक बार पलट लें। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मसाले वाली सेब ली है। अब सेब में इसे दे देनी है और अच्छे से कोट कर लेनी है हमें। मसालेदार सेब हैं इसलिए मैंने मिश्रण में ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। ये देखिए इसी तरह से सभी पीसेस को कोट कर लेनी है हमें। एक कढ़ाई पर मैंने डीप फ्राई के लिए तेल चढ़ा दी है। तेल गर्म हो चुकी है तो अब एक एक करके सारे कोटेड पीसेस को दे देनी है हमें। गैस को लो फ्लेम में रखनी है। अब धीरे से पलट देनी है। इनकी कलर देखिए बढ़िया लग रही है। बिना कोई झंझट के ये बहुत ही इजीली बन जाती है। कुछ अलग तरह की स्नैक्स है ये, जिसे पार्टी में स्टार्टर के तौर पर भी आप रख सकते हैं, या अचानक से कोई आ जाए तो भी आप दे सकते हैं। अब ये हो चुकी हैं तो इसे नीचे उतार लेनी है हमें। मुझे इन्हें पकाने में 5 से 7 मिनट लगी हैं लो फ्लेम पर। अब इसी तेल में बाकी बचे पीसेस को देकर तल लेनी है हमें। अब पहले की तरह ही इन्हें हिला लेनी है। ये भी देखिए अच्छे से पक चुकी हैं तो इन्हें नीचे उतार लेनी है हमें। इन सभी कटलेट्स को सर्व कर लेनी है अब। मैंने तो धनिया की चटनी के साथ सर्व की है, आप चाहें तो सॉस भी ले सकते हैं। आप भी इसी तरह से आलू भुजिया की कटलेट को बनाइए और सभी को खिलाइए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपने व्यूज शेयर कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नई इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे।